दोस्तों, कैप्टन अमेरिका कैप्टन मार्वल इनके बारे में तो आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा और आप में से ज्यादातर लोग ही इनके बहुत बड़े फैन होंगे। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल के एक और कैप्टन को लेके, जो है कैप्टन ब्रिटेन। आप में से बहुत सारे लोग काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कैप्टन ब्रिटेन के ओरिजिन के ऊपर एक वीडियो लाइए, और हाल ही में एक खबर भी बहुत फैली है कि कैप्टन ब्रिटेन को शायद एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और शायद इसके ऊपर एक फिल्म भी बनेगी। तो मौके पे चौका मार के चलिए बात करते हैं कैप्टन ब्रिटेन के बारे में। एक्चुअली कैप्टन ब्रिटेन कैरेक्टर को क्रिएट करने के पीछे मार्वल की ये सोच थी कि शायद कैप्टन अमेरिका के जगह अगर कोई ब्रिटेन कैरेक्टर जैसे कैप्टन ब्रिटेन को इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वो कैरेक्टर इंग्लैंड में ज्यादा फेम कमाएगी। मेनली ब्रिटेन में अपना फैन बेस क्रिएट करने के लिए मार्वल ने ऐसा किया था। अब इस कैरेक्टर का नाम सुन के आपको ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा कैप्टन अमेरिका के साथ सिमिलर लग रहा होगा। हाँ, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अलग है। इनकी ओरिजिन, स्टोरी आर्क, पर्सनैलिटीज, कैरेक्टर बैकग्राउंड और उनका पावर सोर्स भी। जहाँ पे कैप को पावर मिली थी सुपर सोल्जर सीरम से, वहीं पे कैप्टन ब्रिटेन को पावर मिली थी इंटरडाइमेंशनल मैजिक से। और कैप्टन ब्रिटेन के पास कैप्टन अमेरिका के जैसे ही सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्टैमिना, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर एजिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस तो है ही, और साथ ही में उसके पास है सुपर ह्यूमन सेंसेस, उड़ने की ताकत, एक साइंटिस्ट का दिमाग, और कैप के सील की तरह उसके पास भी एक प्रॉप है जिसका नाम है क्वार्टर स्टफ, एक डंडे जैसा हथियार जो प्रोड्यूस कर सकता है एक बहुत ही पावरफुल फोर्स फील्ड। लेकिन बाद में इस हथियार को चेंज करके इसके जगह पे कैप्टन ब्रिटेन को स्टार सेप्टर दिया गया, जिसका भी काम सेम ही था, सिर्फ वो सुपर स्पीड में उड़ने में भी मदद करता था। और कैप्टन ब्रिटेन की जो कॉस्ट्यूम है वो इंटरडाइमेंशनल मैजिकल एनर्जीज को चैनल करता है, और इन्हीं इंटरडाइमेंशनल मैजिकल एनर्जीज से ही कैप्टन ब्रिटेन को ताकत मिलती है। और साथ में कैप्टन ब्रिटेन के पास लाजवाब फाइटिंग स्किल्स भी है, और उसकी कमजोरी है उसकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके अपने ऊपर यकीन, अपना कॉन्फिडेंस जितना कम होगा कैप्टन ब्रिटेन को हराना उतना ज्यादा आसान होगा, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा उसे रोकना उतना मुश्किल होगा। तो चलिए देखते हैं कैप्टन ब्रिटेन की ओरिजिन स्टोरी। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एसेक्स के मेलडोर्न के एक शहर से, जहां ब्रैडॉक मैनोर हवेली में जन्म हुआ एक छोटे से बच्चे का, नाम ब्रायन ब्रैडॉक, जिसके पिता थे लॉर्ड जेम्स ब्रैडॉक और माँ लेडी एलिजाबेथ ब्रैडॉक। लेकिन वो अकेला नहीं था जो इस एंशिएंट ब्रैडॉक फैमिली का नया मेहमान था, क्योंकि साथ में उसकी जुड़वा बहन बेस्टी ब्रैडॉक भी इस फैमिली की नई मेंबर थी, जिसे शायद हम लोग आज साइलॉक के नाम से पहचानते हैं। और ब्रायन ब्रैडॉक अपने फैमिली, अपनी बहन और अपने बड़े भाई के साथ ब्रैडॉक मैनोर हवेली में ही बड़ा हुआ, जो बड़ा होके एक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना, जिसने लंदन के थेम्स यूनिवर्सिटी से अपनी उम्र से काफी पहले ही बहुत ही जल्दी फिजिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। लेकिन अफसोस कि ये सब देखने के लिए ब्रायन के मम्मी पापा जिंदा नहीं थे, क्योंकि काफी साल पहले उनका कत्ल कर दिया था एक सुपर विलेन मास्टरमाइंड ने, जिसको मास्टरमाइंड कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो एक्चुअली एक एंड्रॉइड सुपर कंप्यूटर है, जिसको ब्रायन के ही पिता जेम्स ब्रैडॉक ने ब्रैडॉक मैनर के नीचे छुपा हुआ एक सीक्रेट गुफा में बनाया था, और वो भी अदर्स वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और उसने अपने ही मालिक और मालकिन को मार डाला। एक्चुअली अदर वर्ल्ड ओमनीवर्स के भी बाहर मौजूद एक अलग रियलम है, जहाँ पे कुछ बहुत रहस्यमय और मैजिकल बींग्स रहते हैं। और इस तरह ब्रायन ब्रैडॉक एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होने के नाते छुट्टी के दिनों अपने मेंटर डॉक्टर ट्रेविस के अंडर में डार्क मूर रिसर्च सेंटर में काम करता था। लेकिन एक रात जब वो अपने मेंटर और बाकी साइंटिस्टों के साथ सेंटर में मौजूद था, तब रिवर नाम के एक मर्सनरी और उसके आदमियों ने वहाँ पे हमला कर दिया, और सभी चीजों पे कब्जा करके सभी साइंटिस्ट को किडनैप करने लगे। और ब्रायन ये सब कुछ देख के एक मोटरसाइकिल जुगाड़ करके किसी तरीके से वहाँ से भाग गया मदद लाने। लेकिन पता चलते ही रिवर और उसके लोग ब्रायन के पीछे पड़ गए, और इस झंझट और हड़बड़ी में ब्रायन स्किड करके अपने बाइक के साथ रोड से बाहर एक खाई में गिर गया, और उसी खाई में खून से लथपथ मौत के इंतजार में अधमरी हालत में पड़ा हुआ था।
और तभी कुछ मिराकल हुआ और अचानक से वहाँ पे दो मैजिकल बीइंग प्रकट हुए, जिनमें से एक था मर्लिन और दूसरी उनकी बेटी रोमा। और उन दोनों ने ब्रायन को बताया कि तुम बच सकते हो, तुम दोबारा जिंदा हो सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर तुम ब्रिटेन के अगला चैंपियन बनो तो, अगर तुम उसके लायक हो तो। और उन दोनों मैजिकल बीइंग्स ने ब्रायन के सामने दो आर्टिफैक्ट्स रख दिए और किसी एक को चुनने को कहा, जिनमें से एक था एक स्वॉर्ड और दूसरा एक एम्यूलेट। और ब्रायन एक स्कॉलर स्टूडेंट होने के नाते और एक वॉरियर ना होने के नाते उसका इंटरेस्ट एम्यूलेट पे आया और उसने एम्यूलेट ऑफ राइट को चूज किया। और वो तुरंत बदल के एक कॉस्ट्यूम और एक डंडे जैसे क्वार्टर स्टाफ के साथ बन गया कैप्टन ब्रिटेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मर्लिन और रोमा ब्रायन के सामने क्यों प्रकट हुए और उसी को क्यों ऐसा मौका दिया। एक्चुअली सोसरर मर्लिन और उसकी बेटी रोमा अदर वर्ल्ड के मैजिकल बीइंग थे और ब्रायन के पापा जेम्स ब्रैडॉक एक्चुअली खुद भी अदर वर्ल्ड के एक अधिवासी थे, जो भी खुद कैप्टन ब्रिटेन कॉर्प्स के एक मेंबर थे और मर्लिन के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे। और मर्लिन ने ही जेम्स ब्रैडॉक को अर्थ 616 में भेजा था किसी मकसद से, और ब्रिटेन के अगले चैंपियन को जन्म देने, मतलब ब्रायन ब्रैडॉक का कैप्टन ब्रिटेन बनना पहले से ही तय था। लेकिन कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे रिवर पहुँच गया और उसने उस स्वॉर्ड ऑफ माइटी को उठा लिया और तुरंत उसके पास लाजवाब स्ट्रेंथ और एक वॉरियर का आर्मर आ गया और दोनों के बीच फाइट हुई और आखिर में कैप्टन ब्रिटेन ने उसे डिफीट कर दिया। और इसके बाद काफी महीनों तक कैप्टन ब्रिटेन ने मास्टरमाइंड लॉर्ड हॉग, डॉक्टर क्लॉ, हाईवे मैन, स्ले मास्टर जैसे विलेंस और जुर्म के विरुद्ध लड़ा, और इतना कि उसने स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका के साथ टीम अप करके रेड स्कल को भी हराया था। और देखते ही देखते कैप्टन ब्रिटेन पब्लिक में बहुत ही मशहूर हो गया और इसके बाद ब्रायन अमेरिका चला अपने अब्रॉड की स्टडी पूरी करने और वो एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने एक रूममेट के साथ रहा जिसका नाम था पीटर पार्कर, जो खुद एक फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो स्पाइडरमैन था। और एक रात आर्किट असासिन्स से लड़ते वक्त उन दोनों का एक दूसरे के साथ परिचय हुआ और इसके बाद से स्पाइडरमैन और कैप्टन ब्रिटेन एक साथ रात को पेट्रोलिंग और ट्रेनिंग करने लगे। और स्पाइडरमैन के सेंसेस की वजह से उसे जल्दी पता चल गया कि उसका ही इंग्लिश रूममेट ब्रायन ब्रैडॉक ही कैप्टन ब्रिटेन है, लेकिन ब्रायन को अभी तक ये नहीं पता था कि स्पाइडरमैन उसका ही रूममेट पीटर पार्कर है। लेकिन इसके बाद कुछ कारणों से ब्रायन बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा और इससे उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, एज ए स्टूडेंट पढ़ाई में भी और एज ए कैप्टन ब्रिटेन उसके हीरोगिरी में भी इसका इफेक्ट पड़ने लगा। लेकिन जल्द ये सब कुछ रुक गया और नॉर्मल होके मार्वल कॉमिक्स में कैप्टन ब्रिटेन की जर्नी कंटिन्यू हुई। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब है, वेंडिगो बनना एक श्राप है। अगर भूख किसी इंसान के अंदर इतना बढ़ जाए कि वो किसी इंसान का ही मांस खा ले तो इंसान वेंडिगो बन जाता है। और सही जवाब देने वाले पहले 5 व्यूअर्स का नाम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे कमेंट्स देखने का टाइम नहीं मिला, असल में जेसीबी की खुदाई देखने में बिजी था ना। और आज के लिए एक और सवाल, कैप्टन ब्रिटेन की बहन को हम लोगों ने किस मूवी में देखा था? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आखिरकार हम लोगों की यूट्यूब फैमिली 100K क्रॉस कर चुकी है और आप लोगों के बिना ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।